बुलंदशहर के खुर्जा पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। गौतम बुद्ध नगर प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी के लिए गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र खुर्जा से मांगे वोट। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बसपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। प्रेस वार्ता में बोले आकाश आनंद, भाजपा की सरकार को अब 10 साल हो गए शासन में रहते हुए, अब उन्हें बोलना चाहिए कि और पार्टियां कर रही हैं, उन्हें अपने कामों के बारे में बात करनी चाहिए। भाजपा को अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर लोगों के बीच जाना चाहिए। जनता का काम है जज करना, सपा प्रत्याशी बदलने क्या बोले। मैंने सुना है वो एक सीट पर चार चार सीट पर कमिटमेंट करते हैं, जो इलेक्शन नहीं लड़ा सकता, जो पार्टी नहीं चला सकता, वो सरकार क्या चलाएंगे। प्रधानमंत्री किस बारे में बोल, प्रधानमंत्री जी जानते हैं, हम तो उनके बात नहीं पाए। मैं तुम्हारी माता जी की शुक्रिया है कि बहन तुम्हारी माता जी उदय जी प्रधानमंत्री बने। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित साथियों, इनके बाद गौतम बुद्ध नगर लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री राजेंद्र सोलंकी जी से निवेदन करूंगा कि वो आने अपनी बात रखें। सोच है उसकी गहरी छाप नजर आ रही है। साथ ही ये भी कहा है कि इसके हर पन्ने पर देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात है, क्या कहेंगे सर? आई थिंक भाजपा की सरकार को अब 10 साल हो गए शासन में रहते हुए, परंतु अब उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि और पार्टियां क्या कर रही हैं। उन्हें अपने कामों के बारे में बात करनी चाहिए। उन्हें अपना एक्चुअली रिपोर्ट कार्ड लेके सत्ता लोगों के बीच में आना चाहिए। और लोग क्या करते हैं वो उन लोगों का काम है, हमारी जनता का काम है उसका जज होना, परंतु आप अपना काम लेके बीच में पहुँचे लोगों के, उससे फिर बात करें। दो लड़कों की जोड़ी खिलाफ फिल्म फिर जो है रिलीज हो रही है, समाजवादी पार्टी कही है, समाजवादी पार्टी के लिए वो कह रहे हैं कि हर घंटे प्रत्याशी बदलते हैं, क्या कहना है सर इस पे? भाई जो अपने लोगों को अब मैंने ये भी सुना है कि वो एक एक सीट पे चार चार प्रत्याशी को कमिटमेंट देते हैं, तो भाई जो अब इलेक्शन नहीं तौर तरीके से लड़ा सकता, उन्हें अपनी सर अपनी पार्टी चला सकता, तो वो सरकार क्या चलाएंगे? अकाल जी, कल सहारनपुर में प्रधानमंत्री ने 37 मिनट का भाषण दिया जिसमें सपा और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया, लेकिन बसपा का कहीं कोई नाम नहीं लिया। आखिर बसपा को क्यों सेफ रखा जाता है भाजपा की तरफ से, क्या मानते हैं? मुझे नहीं लगता कि भाजपा की तरफ से बीएसपी के लिए कोई ऐसा कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। अब प्रधानमंत्री जी किसके बारे में क्या बोलते हैं वो प्रधानमंत्री जी जानते हैं, हम तो उनकी मन की बात जान नहीं पाए। मैं जानता हूँ कि उन्होंने बहुत बारी मन की बात रखी है, पर उनकी ये मन की बात तो हमें नहीं पता। आकाश जी, सोनिया गांधी ने जयपुर में कहा है कि मोदी अपने आप को महान बताते हैं, देश के लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को धमकी देकर भाजपा में शामिल किया जा रहा है, आप लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जो भाजपा की सरकार करती आई है पिछले 5-7 सालों में, वो जनता बखूबी देखती आई है कि वो चाहे करप्शन में विपक्षी नेता करप्शन में लिप्त हो, पर बीजेपी की सरकार में आके, बीजेपी की पार्टी में आके विचारों पे कोई ना ईडी का केस होता है ना कोई इनकम टैक्स का, तो ये तो खैर पूरी जनता देख ही रही है, इस पर हमारा कोई कमेंट बनता नहीं। पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हमला हुआ है, क्या कहिए? देखिए सर, ये सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है। इलेक्शन में सभी पार्टी के सभी नेता लोग बाहर जनता के बीच में हैं, नेता से ज़्यादा हमारी जनता की सुरक्षा ज़रूरी है, तो ये तो केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। अभी आपने बीजेपी को मॉडर्न एजेंसी बताया मार्केटिंग की, उसके पीछे का तर्क क्या है? भाई देखिए, अगर कोई सरकार किसी भी पॉलिसी को निकालती है तो उसको कायदे से उसका सारा पैसा उस योजना में लगाना चाहिए, परंतु वो इस योजना में पैसा लगाने के बजाय उस योजना को मार्केट करने में ज़्यादा पैसा लगाती है। बिहार में नवादा में आज एक रैली में पशुपति पारस और चिराग पारस दोनों चचा भतीजे एनडीए के साथ हो गए हैं, क्या कहेंगे सर? जैसा आपने मुझसे अभी सवाल पूछा कि कैसे विपक्षी नेता भाजपा में ज्वाइन हो जाते हैं और उन पर कोई केस नहीं पड़ता, तो आई एम श्योर इनका भी कोई रीज़न रहा होगा।
ठीक है जी।